हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा है कि पिछली बार का आपने वीडियो देखा होगा कि हम लोग गए थे ना, जब बदायूं के लिए शायद सन 2021 में गए थे अपने। 21 में गए, 21 में गए थे। अब एक महीने बाद हमने डेट लगाई थी, क्योंकि मेरी डेट तो पहले पड़ रही थी इन लोगों से। फिर इनका जो है फर्स्ट टाइम था, तो इनका भी फिलहाल 27 तारीख पड़ रहा था डेट। तो मैंने भी सोचा कि उसी को लगवा देते हैं, सभी लोग साथ में निकल जाएंगे बदायूं के लिए। क्योंकि लाइसेंस का आपने देखा ही होगा, लाइसेंस जो चोरी हो गया था मेरा, मतलब खो गया था, उसी को रिन्यू कराना है दोबारा से। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम लोग बदायूं के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल 3 ही लोग हैं साथ में, और बाकी अपना एक सतीश है वो सहसवान में है, उसको सहसवान से पिक कर लेंगे। फिर हम 4 लोग निकल जाएंगे सीधा बदायूं के लिए। तो देखते हैं ब्लॉग में और सारी चीज़ों को क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं फिर गाइस। और ये देखो भाई, अभी फिलहाल आ चुके हैं पुल पर अपने। सबसे बेस्ट पुल लगता है हमारे लिए अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ही, यहाँ तक कि हमारी ज़्यादातर वीडियो शूट होती है। तुम्हारी 3.5 ना कह रहा, मेरी 2.5 की गंजी है, ढाई फीट की चौड़ाई ना, मतलब 3.5 फीट लंबाई है। तो चौखट की लंबाई बाकी ना, बाकी जो ना होती है चौखट की, वो पातम बागो 2.5 इंची को ला लो, वो जड़ी ने बैंगन कर लेंगे जे कम बुला लो, चुद दूंगा ना डर के। अरे चल गाली मत दे अब, अरे तू बता दे तो। अरे बताने की जरूरत ना, वो फट गई भाई, मैं सारे 6 रुपए दूंगा या तो फ्री छोड़ दई। किन्ने जो तुमने का करवा लो यार, मतलब सेविंग खराब कर ली गई यार आपको। सही दिखा दे ऑडियंस को, दिखा दी एक बार दोबारा सर। देखो भाई ये सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में करना पड़ा हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले राहुल का कमेंट आया था, राहुल कुमार भाई कह रहा था तुम्हारा लुक यार बहुत बेकार हो गया पहले से। अच्छा भाई, शाम को जब मैं अपने घर गया था ना, तो मेरी बीवी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया यार, बहुत ज्यादा पंगा हो गया यार, लात मारी थी मेरे पिछवाड़े पे। बीवी है तेरी? क्या करें हम, बीवी है तेरी? हाँ है ना यार, मतलब प्राइवेट है और सीजन ना से। अरे मेरे को मत बता यार, प्राइवेट में पकड़ जाओ, अच्छे ना पकड़ो। अच्छा जो चीजें तो मतलब लीगल है, गर्लफ्रेंड किसकी ना है, गर्लफ्रेंड हर किसी की है, मेरी भी है। अच्छा और भाई वीडियो अपना आ गया इंडियन आर्मी वाला, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस मतलब अपने यूट्यूब चैनल से पूरा अलग वीडियो है एकदम। तो जाओ और जाकर देखो और बताओ फिर, वो कर देते हैं ना, ठीक है। बहुत मजा आएगा यार, अलग है, बिल्कुल अलग हटके वीडियो बनाया भाई इस बार। और पता नहीं क्यों लगा पड़ा इतना सारा यार, वैसे कभी लगता तो नहीं, लेकिन अच्छा रॉन्ग साइड पे सवारी आ रही है इस बार, वो वाला रोड बंद कर दिया। अच्छा वहाँ पे लगा हुआ है वो बैरियर यार, पता नहीं क्यों बंद कर दिया वहाँ पर। वो क्या कहा बन रही है? हाँ डबल, दोनों साइड की सवारी इसी रोड साइड में आ गई ना, इस वजह से थोड़ी भीड़ ज्यादा है। अच्छा ग्रिल लग रही है इस पर ऊपर, तो यार सही हो जाएगा फिर तो काम यार, तो इसी वजह से भीड़ है भाई, काम चल रहा है। चलो कोई बात ना, हो तो निकल गया तेरे लाड, माही वैसे कुछ भी सही यार, हमारा चौराहा है काफी ज्यादा चौड़ा, हम लोग आ चुके हैं अपने आरटीओ ऑफिस पर। यार हमारे आरटीओ ऑफिस का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये जंगल में, यहाँ पर भीड़ मतलब वैसी ज्यादा नहीं रहती है। अंदर सिटी में कोई आरटीओ ऑफिस होता है ना, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जंगल में आओ, अपना किसी तरीके की भीड़ भाड़ से बचो, गाड़ी आगे लगा देते हैं। पहले तो अंदर ही था, हाँ पहले अपना उसमें हमारा आरटीओ ऑफिस जो था वो बदायूं के अंदर था, मतलब तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी वहां पर। चलो यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर देते हैं, फिर उसके बाद अभी गाइस उसके बाद मिलवा थे एक मलुआ से अभी जो है फिलहाल, क्योंकि हमें अपना फोटो देना है और फिर वहां से साइन देना है, फोटो साइन देना है, बाकी फिर और कोई ज्यादा काम है नहीं खास करके। तो चलो भाई चलते हैं और अपने
जिस एजेंट से हमने कराए, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि खाना खाकर नहीं आए हम लोग। अच्छा, हर समय बाहर का ही खाना खाओगे? भाई देखो, खाना पीना हम लोग चलते हैं घर से बाहर, अपना घर से खा कर चलते हैं, तो मैं सभी लोग खा गए, मतलब घर का खाना सेफ खाना है, तो इस वजह से आप किसी को बाहर का खाना कोई भी खाना नहीं मिलेगा। और भाई मुझे लगती सबसे ज्यादा भूख, इसलिए मैं पैक करा कर लाता हूँ। पैक कह रहा हूँ, पैक करा के लाता है मुल्लू सारे आज तक लाउडा को। देखो भाई, आगे चल के मतलब मिलवाते हैं, ये हमारी दुकान। उसके मुंह पर फोकस। भाई हमारा तो काम जो है सभी का हो चुका है, और तुम्हारा तो पक्का होगा भाई सभी का है। मेरे में कंफ्यूजन है यार। क्यों कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? वही दलाल है, वो कह रहा था कि वहाँ पर अधिकारी बैठा है, वो 700 रुपये लेगा तब कंफर्म होगा जाके। तो दे देते। मैंने तो नहीं दिए। मैंने कहा भैया तुम मेरा ऐसी करके दो, मैं दलाली नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, अब रिजेक्ट हो जाएगा कर देंगे तो फिर आ जाऊंगा 100 रुपये पेट्रोल फूंक के अपनी। पर इन लोगों को क्या है ना यार, आरटीओ ऑफिस में तुम लोग कहीं भी चले जाओ, हर जगह दलाली मतलब देनी ही देनी है। गब्बू तुझे पता है तूने कितने रुपए दिए? 4000। 39 रुपये। चलो यार देखते हैं, अगर रिजेक्ट कर दे तो कर दे, कल तक पता लग जाएगी हमारी। अगर रिजेक्ट कर दो ना, तो जाके ना जी मौजे मुड़वा के सारे उठाने चलेंगे। अच्छा ये बता, आप लोग आपके यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में ऐसा होता है या नहीं होता है, मतलब दलाली से लाइसेंस बनते हैं या फिर डायरेक्टली आप जाओ अप्लाई करो टेस्ट दो लाइसेंस बन जाता है? अगर आप खुद से जाओगे ना भाई लाइसेंस बनवाने के लिए, 1000 कमियां निकाल देंगे कि ये खराब है, इसमें ये लगाओ वो लगाओ, कल आना परसों आना, दुनिया भर की कमी निकाल के खड़ी कर देंगे। और तुम किसी एजेंट से बनवाओगे, मैंने पहले भी कहा एजेंट से बनवाओ, कोई कमी नहीं आई। अभी मैं 700 रुपये दे देता, मेरा लाइसेंस अभी अप्रूव्ड हो जाता, अब मैंने रिस्क पे छोड़ दिया, अब होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई अब निकलते हैं सीधा घर के लिए, और घर के लिए तो नहीं अभी फिलहाल, और रास्ते में थोड़ा बहुत काम जो भी रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ से अभी हम लोग फिलहाल निकलते हैं। सो भाई अब जो है कुछ सब सरप्राइज रिलीज करने का टाइम आ चुका है, और अभी फिलहाल हम लोग आ गए सहसवान में, बदायूं से सारा कुछ काम जो अपना वो कंप्लीट हो चुका था। और सरप्राइज गाइस ये है कि मैंने अपना एक प्लॉट ले लिया है सहसवान में। क्यों बुआ? ऐसी बात है। तो अभी फिलहाल मैं आपको अपना जो है वो प्लॉट दिखाने वाला हूँ भाई, और ये सहसवान में ही है प्रॉपर अपना, तो अभी चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये आप जो देख रहे हो इस जिसमें आपकी अभी हम लोग खड़े हुए, चलो इधर से मतलब साइड से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कैसा है, कैसा दिखता है। अभी तो भाई कचरा वचरा पड़ा हुआ, ये देखो ये वाला जो है, ये जो खाली जगह पड़ी हुई इतनी वाली, ये वाली देखो, ये जो मकान बन रहा है अभी इसके बराबर में यहाँ पर, ये कम्प्लीमेंट लेंटर तक पहुँच चुका है ये, और ये जो अपना है इतना देखो, यहाँ से ये वाली यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ये गप्पू भाई खड़ा हुआ है यहाँ से और वहाँ तक, जो डंडा लगा हुआ है ना डंडा उसके बराबर में, मतलब यही समझो आप, ये और ये एक ही वो रहेगी, और इधर इतना साइड है। ठीक है, तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को लेकर, अब यहाँ पर बनाएंगे एक अपना अच्छा सा मकान, और फिर आप लोगों को आप लोग बताना कैसा क्या रहेगा, जैसे भी रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यार जब कोई भी चीज़ करो और ऐसी चीज़ करो जिसको आपने मतलब सोचा हो कभी, और वो काम आपका वो सपना पूरा हो जाए उसमें, हाँ उसमें ज़मीन के अंदर से, अब इसमें जो मिट्टी विट्टी डालेंगे, मिट्टी विट्टी वगैरह पड़ेगी, और इसमें इतना सारा कचरा हो रखा है सारा कुछ, इसे को भी मतलब इसको तो अब हटाना क्या है, अब इसमें डायरेक्टली मिट्टी डाल देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं किस टाइप का नक्शा निकलवाते हैं हम घर का। मिट्टी हम किसी और से नहीं लगाएंगे, हमें खुद डालेंगे यहाँ पर, खुद डालने के लिए, क्योंकि यार परमिशन नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए हमारे लिए, अब हम इन फालतू के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, जिसके पास जो है मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा मिट्टी विट्टी डालते हैं अपने सहसवान में, उनसे बात कर लेंगे जितने रुपये में पड़ेगी, फिर मिट्टी का काम कंप्लीट करा देंगे। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्लॉट कैसी लगी। ठीक है गाइस, चलो दूसरी साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी तो क्या इसमें, ये देखो ये सब लोगों ने गोबर के कंडे वगैरह लगा रखे हैं, अब हमारे यहाँ तो कंडे कहते हैं इनको, अब आपके यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ये देखो यहाँ से इतना सारा, ये देख लो ये है,
और भाई यार एक बात मैं भी बोलूंगा कि जिस बंदे को फ्री की जगह मिलती है ना वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे हमारे गुरुजी की जगह में कोई ये खंडे कोई दिक्कत ना, हमारी खाली पड़ी है तो कोई समस्या ना यार, कोई इस्तेमाल कर रहा है किसी का भला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी जगह खाली पड़ी, जब हम बनाने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान हटा लेगा भाई। तो चलो भाई अब चलते हैं अंदर और फिर कुछ खाते पीते हैं, भूख भी थोड़ी सी लगी है। आप लोग ये मत कहना कि आप तो मना कर रहे थे बाहर की चीज़ें खाने के लिए, घर से खा कर निकले थे, लेकिन अब थोड़ी सी भूख लगने लगी है तो इस वजह से अभी चलते हैं। तो भाई अभी आ गए हम अपने रेस्टोरेंट पर, आज दूसरे पर आए, मुन्नालाल वाले पर नहीं, आज मुन्नालाल वाले पर नहीं गए थे और यहाँ पर मंगाया हम लोगों ने अपना ये टिक्की। ये एक नंबर टिक्की रहती है इनकी, मतलब बहुत मजा आता है। ये देखो आप देख रहे हो इसमें बादाम वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये देखो किशमिश बादाम, देखो बादाम भी है, किशमिश भी है, सारा कुछ है। और इसमें मतलब छोले वगैरह नहीं डालते हैं ये लोग, लेकिन एक नंबर टिक्की रहती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। और जब भी हम सहसवान में टिक्की खाते हैं तो इन्हीं के यहाँ पर आकर खाते हैं। तो चलो पहले खाते हैं, उसके बाद गप्पू अपना खा नहीं रहा है, गप्पू तो और कुछ खाता क्या, खा ली तूने गप्पू? मैंने गाजर खा लिया। टिक्की नहीं खाता क्यों? मीठी सॉस ज़्यादा डाला उसमें, गाजर तो मीठा है, तो मीठा गाजर का गाजर का हलवा मतलब मीठा ना, ये देखो तो वैसे मीठी सॉस ना खाएगा ये, और मना कर देगा तो क्यों डालो हमने अलग से मंगाई है। देखो हमने तो मीठी मंगाई, देखो भैया देखो हम खट्टी खाते ना, कहते खट्टी खानी मीठी खा अपने, मीठे रहो मीठी भाषा निकले मुँह में से, हर चीज़ मीठी मीठी रही। भाई अभी मैं अपने बैंक पर आ गया हूँ और यहाँ से आओ अभी कहाँ चलना है अपने, आ जाओ अभी, जो भाई कुछ पैसे वैसे निकालने हैं, कुछ थोड़ा सा काम है, तो अभी चलते हैं अपना सीधा बैंक में और चेक वगैरह सारा कुछ ले लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे निकालने होते हैं, इस वजह से बिना चेक के काम हो नहीं पाता है इस वजह से। और ये हमारी भाई पैसे वैसे सारा कुछ निकाल लिया है हमने, और ये रहे पैसे गप्पू, और गप्पू पहले पैसे देखो ही लूट ना ले अपने, अरे ऐसा लूट लियो सारे की मोछे देख के फट जाई, कुछ अटिया देख के फट जाए। देखो भाई हमारा गप्पू हमारा बॉडी गार्ड है, इसलिए कोई हमसे पंगा ना ले सका, भाई बात मर्दों वाली तेरी। और भाई मैंने पर्स भी ले लिया, देखो ये वाला अपना साइड वाला पर्स रखा हुआ है, गप्पू खोल के देखा इसमें से यार भाई। बड़ी मुश्किल से वो पर्स लिया था मैंने, इस पे लिखा है पर्सेस, यार आज पर्स बहुत महंगा दिया है भाई, 350 रुपए का यार, इतना महंगा भी पर्स आता है क्या? ए गप्पू तुम लिया है? हाँ लिया है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने। मैं तो 65 रुपए वाला पर्स लेके चलता था पहले यार, इतने महंगे हो गए पर्स, ये पर्स है भाई देखो, देखा दो ये वाला लिया भाई, देख के बताओ इसकी क्वालिटी को देख के कि भाई इसमें लिखा है, इसमें रखा जाएगा ना क्रेडिट कार्ड रखा जाएगा इसमें, लिखा पड़ा है ये लेदर का है, का पूरा लेदर का, लेदर है अब, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना महंगा है, आप दुकान पे पहुंच जाओ तो फिर यार किसी से मना थोड़ी ना करोगे भाई, लेकिन मेरा इससे बड़ा वॉलेट है, बड़ा है अच्छा, वही होगा मेले वाला, चलो फिर अच्छा मेले से लेके आते पहले है, मतलब 20-20 रुपए का, 20 रुपए का भी आ जाता था अच्छा, काजल का, अजय देवगन का, सलमान खान का, अक्षय कुमार का टाइम था, अच्छा अब टाइम बदल गया है, हाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन से, लेकिन उस पर देख तो ना पाते यार कैसी क्वालिटी चाहिए, दिखाऊंगा भाई मेरा कैसा है, बताइए किसका सॉलिड है, एक नंबर है भाई मेरा, मतलब मेरे से अच्छा है तेरा, हाँ हो सकता है मतलब 50 रुपए वाला 350 वाले का अच्छा है भाई, मेरा 350 रुपए का आया था, प्लस 34 रुपए उसमें उसके गए थे, 40 रुपए क्या नाम है, GST नहीं डिलीवरी चार्ज गया था 40 रुपए अच्छा फ्लिपकार्ट से, मतलब 390 रुपए कौन बॉबी बैठा है, 390 रुपए का पड़ा था मेरा, 390 का तो यार चल अच्छा है तेरा भी है, मैं दिखाऊंगा। चलो फिर भाई अब सारा कुछ काम हमारा खत्म हो गया सहजवान का, तो क्या करें गप्पू इस ब्लॉग के यहीं पर एंड कर दें, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ और एंड न्यू धमाका, लाइक कमेंट शेयर को तो बोल दे, हाँ कमेंट शेयर मत करिए भैया जी, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बता दे रहा, चल सही बता दे रहा हूँ, बता चल सतीश राणा 535 बाप यार गाली दियो और भाई इस बार हम वीडियो लेकर आ रहे हैं कुछ अलग हटकर यार, तो वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार है और कुछ
चलो चलो ठीक है भाई, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जो कुछ भी करना है, अच्छा वो लेना है, खाद बीज लेना है। चलो ठीक है भाई, और आपको प्लॉट मेरा कैसा लगा कमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसलिए ब्लॉग एंड हो गया, मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ब्लॉग इसलिए हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था काफी टाइम बाद, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाई थी काफी लंबी जो वीडियो थी गाइस थोड़ी सी, तो इस वजह से हमारे लिए वो रही थी। तो भाई तो वीडियो शंकर रणा की खड़ी है, विकास रणा की खड़ी है, ये बाइक तो देख सकते तुम्हारी ना लग रही। चलो खाद भी ले लेते हैं सारी दुकान से।